मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे बीच में प्रसिद्ध साहित्यकार, हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री लक्ष्मी शंकर जी यहाँ पर उपस्थित है। आगमन परिवार की ओर से मैं उनसे चाहूँगा कि आज के इस अवसर पर हमें आशीर्वाद स्वरूप शब्द मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनका उद्बोधन मिले। आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर जी। हाँ जी, पवन जी, आदरणीय डॉक्टर कुंवर भाई चैन जी, मेरे बहुत प्यारे भाई मंगल नसीम जी, पवन जैन जी, और पूरे देश से आए मेरे रचनाकार मित्र, उद्बोधन तो आपको डॉक्टर कुंवर भाई चैन देंगे, मैं आपको थोड़ी मैं सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा। पहली बात तो ये है कि इतने सारे कवियों को देखना ये बहुत सुखद है। ये ऐसा परिवार है जिसमें परिवार नियोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, कविता नियोजन ज़रूर होना चाहिए, वो आपका काम करते रहें। और आप जानते हैं वे कवियों ने तरह तरह के लतीफ़े चुटकुले बना डाले कवियों की बेइज्जती करने के लिए, कि वो इस शहर में तो जिस पे पत्थर फेंकोगे वो कवि निकलेगा, ऐसा निकलेगा वैसा निकलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि कवियों की संख्या जितनी बढ़े उतना हमारे देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए हितकर है। और वजह सिर्फ इतनी है कि कवि जो औसत लोग हैं, जो भीड़ है, भीड़ से अलग हटके चीज़ों को सोचता है, महसूस करता है, चिंतन करता है, और चिंतन करके जो समाज के लिए, देश के लिए उचित है, सही है, वो अपने शब्दों में व्यक्त करके और पहुंचाता है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तथा कथित कवियों की एक बहुत बड़ी फसल आई है, जो तरह तरह की, उसमें पता नहीं कितने तरह की सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, कोई नफरत की बातें करते हैं, और क्या क्या करते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, क्योंकि कविता हमेशा प्रेम की बात करेगी, भाईचारे की बात करेगी, सद्भावना की बात करेगी, और मानवता की बात करेगी। एक बात तो सिर्फ ये मुझे कहना है, दूसरी बात मुझे ये कहना है कि आप कविता लिख लेते हैं, संग्रह भी आ गया, वो अच्छी बात। पवन जी बैठिए बैठिए। तो हाँ जी पवन जी, जी मेरा उद्बोधन चल रहा है जी जी। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि कविता लिख लेना सिर्फ बहुत नहीं है, या कभी आपका संग्रह आ गया, एक आ गया, मैं चाहूँगा कि ये कविता की निरंतरता बनी रहे और आप कवि बने। कविता लिखना, कवि बनना बिल्कुल दो अलग बातें हैं। जब आप कवि बनते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, समाज की, देश की, और तमाम जो जीवन मूल्य हैं उनकी रक्षा करने की, तमाम हमारी परंपराएं, अच्छी परंपराएं, अंधविश्वास को तोड़िए, रूढ़ियों को तोड़िए, लेकिन तमाम कुछ हमारे समाज से जो घट रहा है उसको संभालना, सहेजना, ये कवि का काम है। और आपका काम इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि गुजरात में एक प्रोफेसर तीन तीन जीने चढ़ करके और छत से अपनी बीमार माँ को नीचे फेंक देता है। ये ऐसे समाज में, ऐसे देश में, ऐसे समय में हम जिंदा है, ऐसे समय में जीवित हैं, जब बॉम्बे में अपनी पता नहीं कौन सी मंजिल पे, वो 14वीं या 16वीं मंजिल पे आशा साहनी जो है वो मर जाती हैं, और सूख सूख के 3 महीने में वो बिल्कुल अस्थि पंजर बन जाती हैं, और अमेरिका से उनका बेटा अपने काम से आता है और सरप्राइज देने के लिए कि माँ के पास जाता, वैसे कभी उसने कोई खबर नहीं ली, पूछा नहीं। तो ऐसे बेरहम क्रूर समाज में हम जी रहे हैं, जहाँ पर अभी 2 महीने की, 6 महीने की बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। तो ये हमने कौन सा बीमार समाज बना। इसलिए मैं चाहता हूँ, आखिरी बात कहता हूँ, कि ऐसे वातावरण में जितने ज़्यादा कवि बने,
क्योंकि कविता के पास ही वो ताकत है जो मनुष्य को बदल सकती है, जिसने नादिर शाह जैसे जालिम को, क्रूर को बदल दिया था, जिसने कविता की दो पंक्तियों ने कत्लेआम, 6 दिन का कत्लेआम रोका था। तो कविता के पास वो शक्ति है जो मनुष्य को बदल दे और उसे मनुष्य वापस बना दे, वरना जिस समाज में हम जी रहे हैं वो बड़ा भयानक समाज बन रहा है, उसको हमें बदलना है। वो तमाम सारे जो हमारे जीवन मूल्य जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, मेरा जाना जहाँ जहाँ हुआ है, जो चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं वो भारतवंशी अपने देशों में संभाल रहे हैं, लेकिन वो भारत में भी रहनी चाहिए वो तमाम सारी चीज़ें, वो क्षमा, करुणा, उदारता, प्रेम, भाईचारा, हमारी एकता, हमारी गंगा जमनी तहजीब, वो एक दिन में नहीं बनी है, सैकड़ों साल में बनी। आज उसको भी तहस नहस करने की बातें चल रही हैं, तरह तरह के नफरत के झूठे झूठे वो सब चल रहे हैं। इस सब से आपको लड़ना है, सच्चाई की तलाश करनी है, आपको भेड़ नहीं बन जाना है, आपको मनुष्य बने रहना है, कवि बने रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।